नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं फैंटेसी बेनिंग एलेवन यूट्यूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं गोल्डन स्टार बोर्न और बॉर्न ब्लू स्टार दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले टूर्नामेंट के पहले और दूसरे टी मुकाबले को सबसे पहले तो भाइयों दोनों ही टीमों से जुड़ी हुई फाइनल अपडेट और फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहाँ से हमसे जुड़ जाएंगे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही टीमों से जुड़े हुए प्रव्यू के बारे में तो टूर्नामेंट का ये पहला और दूसरा ही मुकाबला होने वाला है भारतीय समय अनुसार बारह और दो बजे से ये दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे दोस्तों वेन्यू की यदि बात करें तो क्रिक फील्ड में सारे ही मुकाबले ये खेले जाने हैं तो आज का मुकाबला भी

टेन क्रिकेट खेलने का दोस्तों काफी ज्यादा अनुभव है देखा जाए तो बोन ब्लू स्टार की टीम का पड़ला है तो दोस्तों करते और सबसे पहले बात करेंगे अपन सकते लगातार टीम के लिए दोस्तों ओपन करने आने वाले हैं पिछले पांच मुकाबलों की यदि बात करें तो ग्यारह उन्नीस आठ पांच और उन्तीस रन इनके बल्ले से निकले हैं ओपन कर रहे हैं इसलिए इस प्लेयर को हम अपनी टीम में शामिल करेंगे और यदि ओवरऑल भी बात करें तो ग्यारह मुकाबले टी क्रिकेट के खेल चुके हैं एक सौ रन इन्होंने बनाए हैं अठारह के एवरेज से इनका स्ट्राइक रेट एक का रहता है यानी थोड़ी स्लो बल्लेबाजी करते हैं इसका मतलब दोस्तों ये हमें थोड़े बहुत स्कोर कर जरूर देने वाले हैं तो ऐसे में इस प्लेयर को हम अपनी टीम में शामिल कर जरूर चलने वाले हैं हाइएस्ट स्कोर उनको छत्तीस नॉट आउट इनका हाइएस्ट स्कोर रहा है भाई दोस्तों बात करें अपन एम डी सैफील्ला कदीम के बारे में तो चौथे नंबर पर ये आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने वाले हैं पिछले दो मुकाबले में सात सात रन इन्होंने बनाए हैं इसके पहले छब्बीस और इसके पहले बीस रन बनाए हैं और कोई बिकट इनको नहीं मिला है इस मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग भी की है बाकी दोस्तों देखा जाए ओवरऑल तो पाँच मुकाबले खेले हैं पिछले इनमें एक मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग की है और बीस मुकाबले अभी तक खेल चुके हैं एक रन इनके रहे हैं उन्नीस के एवरेज से ये रन बनाते हैं एक सौ सैंतीस का स्टार्ट रन का रहता है सत्ताईस नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है वहीं यदि बात करें इनकी बॉलिंग की तो 20 मुकाबले खेलने के बाद 15 मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग की है 25 ओवर फेंके हैं और 12 विकेट टीम के लिए निकाले हैं यानी देखा जाए ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों इंपोर्टेंट पिक है इस प्लेयर को आपको लेकर चलना है अब यदि बात करें अपन बिक्रमजीत के बारे में दोस्तों ये ऑलराउंडर प्लेयर है और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन ये हमारे लिए रहने वाला है हालांकि पिछला मुकाबला इन्होंने पाँचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए खेला था लेकिन इसके पहले कुछ मुकाबलों में ये नंबर तीन पर भी बल्लेबाजी कर चुके हैं यदि बात करें इनके पाँच पिछले मुकाबलों के बारे में सात रन तीन रन चौदह रन और ग्यारह रन इनके बल्ले से निकले हैं वहीं यदि बॉलिंग की बात करें दोस्तों तो पिछले चारों मुकाबलों में इनके द्वारा तीन विकेट निकाल कर दिए गए हैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिक पे हमारे लिए रहने वाला है मुकाबले में सैतालीस रन ही इनके बल्ले से निकले हैं लेकिन बॉलिंग की बात करें तो नौ मैचों में पंद्रह ओवर फेंके हैं मतलब दोस्तों लगभग दो ओवर ये हर मुकाबले में फेंक रहे हैं इसके अलावा सात विकेट टीम के लिए निकाले हैं इसका मतलब यही है दोस्तों टीम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पे रहने वाला है अब बात करें अपन कमरनजीत बरार के बारे में तो पिछले तीन मुकाबले में तेरह आठ और सात रन की पारी खेली है नौ मुकाबले ओवरऑल खेल चुके हैं अट्ठाइस के एवरेज से दोस्तों इन्होंने अट्ठाईस रन ही अभी तक बनाए हैं बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे आता है लेकिन फिर भी दोस्तों इस टीम में बल्लेबाज तीसरे नंबर का बल्लेबाज है तो ऐसे में हो सकता है आज के मुकाबले ग्यारह मुकाबले खेल चुके हैं बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे आता है दोस्तों बात करें खुर्रम इलियास के बारे में तो बल्लेबाजी करते हुए देखने वाले हैं तो इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर ग्यारह मुकाबले खेले हैं मात्र चार का ही इनका एवरेज रहा है इसका मतलब यही है कि बैटिंग का पूरा चांसेस नहीं मिलता

ओवर हर मुकाबले में ये कवर कर रहे हैं और सात विकेट अभी तक टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं इंपोर्टेंट दोनों ही पिक हैं दोस्तों दोनों ही पिक को हम लेकर यहां सर चलने वाले हैं अब बात करें असद मोहम्मद के बारे में तो ये प्लेयर टी का इंटरनेशनल प्लेयर है टी क्रिकेट अभी तक इन्होंने नहीं खेले हैं पहली बार दोस्तों टी टी क्रिकेट के लिए टीम में शामिल हुए हैं यदि पिछले बात करें पांच मुकाबलों के बारे में तो मात्र दो ही विकेट टी ट्वेंटी कैरियर में ये निकाल कर दे पाए हैं ग्यारह मुकाबले खेले हैं दस मैचों में बॉलिंग की है और उनतीस ओवर अभी तक फेंके हैं मात्र तीन ही विकेट निकाल

ने का कोई अनुभव नहीं है लेकिन फिर भी टी20 के हमने आंकड़े यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं सबसे पहले बात करें अपन आदि बसगर के बारे में तो नौ मैचों में 177 रन बनाए हैं आठ विकेट टीम के लिए निकाल कर दिए हैं यानी यहां से देखें तो ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर यह हमें यहां से दिख रहा है अब बात करें आदिब सहराज पाँच मैचों में मात्र पैंतालीस रन है इसलिए इस प्लेयर को ड्रॉप कर कर चलें लेकिन बात करेंगे दोस्तों अमल मधु मधुपाट्टू के बारे में अस्सी मैच इन्होंने खेले हैं नौ सौ पचास रन इन्होंने बनाए हैं विकेटों की बात करें दो सौ सैंतीस विकेट इन्होंने टीम के लिए निकाले हैं और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा इनका नीचे यहाँ पर रहने वाला है लेकिन ऑलराउंडर प्लेयर हैं इसलिए इस प्लेयर को हम अपनी टीम में पिक कर कर चलने वाले हैं वहीं यदि बात करें आशिक रहमन के बारे में तो बीस मैचों में दो सौ अट्ठाइस रन है बीस विकेट टीम के लिए निकाले हैं ऑलराउंडर प्लेयर हैं तो ये प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाला है गुरी सिंह नौ मैचों में उनचालीस रन बारह विकेट निकाले हैं इंपॉर्टेंट पिक दोस्तों ये रहेगा इसके अलावा हर्ष परूपल्ली नौ मैचों में इकतालीस रन आठ विकेट टीम के लिए निकाले हैं दोस्तों इसके अलावा ध्यान दीजिएगा नदीम अब्बासी के ऊपर अट्ठासी मैचों में एक रन इनके बल्ले से निकले हैं दोस्तों यहाँ पर इनका बैटिंग क्रम थोड़ा नीचे दिखाया गया है लेकिन निश्चित तौर पर

मिलती है तो इसकी जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तों टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो फाइनल अपडेट मिलेगा साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर हम बता देंगे कि इस मुकाबले में आपको कितना इन्वेस्ट कर कर चलना है या ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या कम इन्वेस्ट करना है तो इसकी जानकारी हम आफ्टर आप टॉस आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद दोस्तों